हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 का मिसलिनियस एक्सरसाइज के लिए लास्ट वीडियो है। दोस्त, इसमें हम जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बहुत इजी वे में करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं, वैसे भी देखते आ रहे होंगे अगर पीछे की वीडियो तो समझ ही पा रहे होंगे कितना मैंने इजी से हर एक क्वेश्चन आपको कराया है। तो दोस्त, इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 17 है आपके बुक में, तो उस सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और इसके बाद जैसे ये ख़त्म होगा, हम कल से दोस्त स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा मैट्रिक्स, जिसका नाम है अव्यूह। वो दोस्त बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसे इस चैप्टर में हमने पहले थ्योरी दिया था आपको, पहले उसी तरीके से उस चैप्टर में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, कैसे अव्यूह आया था ये बताऊंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो लेकिन आज के हम इस वीडियो में पूरी तरीके से इसको हर एक स्थिति से, हर एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ मैं इसको आज अंत करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्त, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपके क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, मतलब दोस्त वैल्यू को हमें निकालना है। आप ध्यान से समझिएगा, आपके सामने दोस्त इतना दिया गया है और इतना की सहायता से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करें ध्यान समझिएगा। अगर आप देखिएगा गौर से, तो ना तो इसका फार्मूला होता है और ना ही तो इसका फार्मूला होता है, तो फिर कैसे बनाए। तो लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल अगर मैं नॉलेज दूँ आपको दोस्त, तो ध्यान समझिएगा, ये अगर ये गुना में है तो इस तरफ आकर के भागा में हो जाएगा, और जब भाग में हो जाएगा तो फार्मूला पता है 2 × tan−1 का, और बस हम बना लेंगे। तो फ़ायदा क्या है, समझ आया। हम यही तो बार बार कहता हूँ, आप थॉट डेवलप कीजिए ना, काम खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे दोस्त सॉल्यूशन, ध्यान समझिए, समझिए ना क्या हमने समझ पा रहे हैं ना हमने क्या बोला। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर आप इसको गुना में भेज दीजिए तो फार्मूला बनेगा, और फार्मूला बनेगा तो हम उस फार्मूला के आधार पर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए, गुना में है तो ये हो गया भागा में, तो हो जाएगा 2 tan−1, और ये जो है सो, यानी 1 − x/1 + x, बात समझ आया। और इक्वल टू दोस्त tan−1 है, तो tan−1 लिखेंगे, यहाँ पर केवल tan−1 बचेगा ना, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 2 tan−1 का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको सिखाया है, वो होता है दोस्त tan−2x, और दोस्त x मतलब इतना, यानी 1 − x/1 + x, बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। फिर होता है 1 − x², एक्स स्क्वायर मतलब दोस्त इतना का स्क्वायर, यानी 1 − x/1 + x का स्क्वायर, और इसको ऐसे, और इक्वल टू दोस्त tan−x, क्लियर है। मैं आपको बात बता दूं दोस्त, इस तरफ भी tan−1 है और इस तरफ भी tan−1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फिर आपके सामने बच जाएगा 2 1/x, फिर 1 + x, लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। फिर देखिए ध्यान से, ये दोस्त ये 1 − इसको भी हमने अलग अलग कर दिया, तो 1 − x का स्क्वायर होगा बट्टा में 1 + x का स्क्वायर होगा, क्लियर है बात। चलिए बहुत अच्छा, और इक्वल टू दोस्त इस तरफ केवल अब x बचेगा, क्यों बचेगा आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ से tan को हमने कैंसिल कर दिया, इस तरीके से ऐसे कटा दिया, तो अब दिखाया नहीं जाता है, पर समझ गए ना, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, बस इसके नीचे हम 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, इजिली कर सकते हैं, तो देखिए 2 1 − x/1 + x जैसे है वैसे लिख दिया, दिखाई दे रहा है ना अच्छा से। चलिए देखिए दोस्त, उस तरफ मैं लिख दे रहा हूँ, आपको सच पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं देगा, इस कारण से मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। देखिए जैसे है वैसे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए, 1 और 1 + x² का जब हम LCM लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + x² होल स्क्वायर, इट इज़ क्लियर, बहुत बढ़िया। अब दोस्त अब हम बड़ा पक जोड़ लेंगे, और आपका तो ये तो बहुत आसान खेल है, तो आप तो इजीली कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 + x² होल स्क्वायर और −1 − x² होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बस एक काम करेंगे, अब हम पलटी मरवाएंगे, पलटी मरवाना मतलब समझ पा रहे हैं ना, चलिए बहुत अच्छा। और इक्वल टू दोस्त एक्स है तो एक्स, क्लियर हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सिंपल में एक काम करेंगे, 2 1 − x, ध्यान समझिएगा, देखिए 2 1 − x/1 + x है, तो हमने ऐसे जैसे था वैसे लिख दिया। अब दोस्त देखिए, ये a है
और ये बी है, ये भी ए है और बी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो दोस्त ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। फिर दोस्त देखिए ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे, समझ पा रहे ना, जब भी माइनस प्लस वाला साइन हो ना तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ताकि गलती ना हो, बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो गलतियाँ को कम करने के लिए ऐसे किया जाता है। होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोस्त टू ए बी, यही ना फॉर्मूला होता है, और बट्टा में दोस्त जो है सो यानी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्त इक्वल टू में एक्स लिख लीजिएगा, समझ पा रहे हैं ना, इक्वल टू में एक्स, इसके सामने नहीं, पूरा उसके बाहर करके इक्वल टू एक्स लिख दीजिएगा, जगह कम था इस कारण से मैंने दोस्त ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस तरफ आगे, ये टू वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स जैसे है वैसे हमने कॉपी कर दिया, ध्यान से समझिएगा, ये वन है, ये जितना है उसको हमने जैसे है वैसे लिख दिया। अब ध्यान समझिएगा, ये दोस्त माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, और दोस्त माइनस अ माइनस प्लस टू एक्स, और बट्टा में दोस्त वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्त एक्स, समझ आ रहा है। तो इस तरफ का कॉपी हो गया होगा उम्मीद है, और नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, हमें दोस्त एक्स की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए आगे देख लीजिए, टू वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स जैसे है वैसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये माइनस वन और ये प्लस वन आपस में हो जाएगा कैंसल, और ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, बचा क्या दोस्त दो एक्स और दो एक्स, जोड़िएगा तो चार एक्स हो जाएगा। ये रहा आपका वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या लिखना है, हमें एक्स लिखना है, बात समझ आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए ये दो जैसे वैसे लिखा है और पलटी मारेगा, पलटने वाला रूल पता है ना, चलिए मैंने बताया है कई एक बार दो जैसे वैसे लिखा जाता है और चार होता है ना, तो दो ऊपर नीचे हो जाते, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर अब हो जाएगा और बट्टा में दोस्त फोर एक्स, इतना तो क्लियर है। देखिए ध्यान से, तो ये ही चीज़ इस ऊपर भी है लेकिन ऊपर दो बार है और नीचे एक बार है, तो एक बार कटेगा ना, तो ये इस गया एक बार बचेगा, और दोस्त देखिए दो दुनी चार यानी बचा क्या, और इक्वल टू दोस्त एक्स, यानी बचा हमें वन माइनस एक्स और ये वन प्लस एक्स, यहाँ पर बचेगा ना वन प्लस एक्स, और बट्टा में दोस्त टू एक्स और इक्वल टू एक्स, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार समझते हैं आप लोग क्योंकि है ही शानदार। ओके देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, देखिए ये a है ये b है दोस्त, ये भी a है और ये भी b है, तो आपको मैंने फार्मूला बताया है कई एक बार, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा दोस्त 2x इज इक्वल टू x, इतना समझ पा रहे हैं ना आप अच्छा से, चलिए बहुत बढ़िया, कॉपी इस तरफ हो गया होगा। चलिए आगे देखिए दोस्त, बस एक दो लाइन का काम है और आपका काम हो जाएगा फिर फिनिश, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने की देर है। आप दोस्त ध्यान से समझिएगा, आपको मैं बता दूं, और देखिए दोस्त जब हम इसके नीचे वन एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, और वन एक्सप्रेस करके हमने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दे रहे हैं, तो देखिएगा ये इतना में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और इक्वल टू दोस्त x में 2x से करवाइएगा तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा ये इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जा करके हो जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बात समझ आ रही है, चलिए बहुत अच्छा, और 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ठीक है। ओके देखिए 1 और दोस्त ये गुणा में है तो इस तरफ आकर के भागा में हो जाएगा और इक्वल टू आपका बचेगा x स्क्वायर, और आपको मैंने कई एक बार बताया है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई 3, यानी दोस्त प्लस माइनस हो जाता है, आपको पता है क्यों होता है, मैंने कई एक बार बताया आपको, चलिए बहुत अच्छा, यानी दोस्त फाइनल उत्तर रहा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 3 का रूट 3 ही नहीं रहेगा। तो दोस्त इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आज चाहे रात क्यों ना हो जाए खत्म ही कर देंगे। देखिए ना कैसे, और ज़्यादा रात तो होगा नहीं, समझ ही रहे, तो वो दिन है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अगला ये जो है क्वेश्चन दोस्त, एग्जाम में 2-3 बार पूछा है। ऑब्जेक्टिव अब क्वेश्चन है, यहाँ से 15, 16, 17 तीन क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव है। देखिए, साइन और टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 आपके 4 दिया गया है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया होगा और चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा सही उत्तर है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे दोस्त, तो मैंने इसको प्रूफ भी करवाया है, फार्मूला आपको याद होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, नहीं याद होगा तो इधर देख लीजिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या हम इसके नीचे 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। फ़ायदा ये है कि देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो टेन दिखाई दे रहा है, इस टेन को साइन के फॉर्म में मैं चेंज करूँगा और चेंज करने से मेरे को एक फार्मूला मिलेगा जिसका नाम है साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो फायदा समझ आ गया। अब हम साइन को तो टेन में बदल सकते नहीं है, लेकिन हाँ टेन को जरूर हम साइन में बदल सकते हैं। तो फायदा यही है कि हमारा फार्मूला होगा और जब फार्मूला प्राप्त होगा तो हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लिखेंगे दोस्त, यहाँ देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, यानी पी इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। इसलिए दोस्त जब आप एच निकालिएगा तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी दोस्त 1। ओके आप लिखेंगे, अब देखिए दोस्त साइन जैसे है वैसे लिख लेंगे, अंदर वाले को भी अब हम साइन के फॉर्म में लाएंगे, समझ आ रहा है? तो ये हो गया साइन इनवर्स, फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो दोस्त लंब जो है वो है आपका एक्स और कर्ण जो है ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, एक ही बात है ना। अब ध्यान समझिएगा, आपको मैंने फार्मूला सिखाया दोस्त, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू दोस्त थीटा, और ये आपका रहा फाइनल उत्तर। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपके बुक से, तो दोस्त आपके बुक से ऑप्शन नंबर जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है, इट इज़ अ राइट आंसर, ठीक है? चलिए कॉपी करिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को इसको रिवीजन कर लीजिएगा दोस्त। खास तौर से मैं बोलूँगा आपको तो आप मिशलेनियस का अच्छा से रिवीजन कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये बना लीजिएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन तभी बना पाइएगा जब आपका कॉन्सेप्ट मालूम हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो समझ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ मिसलिनियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक्सरसाइज फॉर बीएससीबी फॉर कम्पिटिटिव एंड सो ऑन सो, ठीक है, मतलब हर एक एग्जाम के लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है। तो समझ सकते हैं ना, इसको अच्छे से रिविज़न करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैंने इसको कॉन्सेप्ट के साथ कराते आ रहा हूँ, जिस पर आधारित आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इस लायक बना दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है दोस्त, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और आपको ना एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो दोस्त देखिएगा यहाँ से आपका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है, थोड़ा सा माइंड सेट कर लेना है। आप दोस्त इसको दो विधि से बना सकते हैं, कैसे कैसे? तो दोस्त आप इसको दो विधि से कैसे बनाइएगा, देखिए पहला विधि आप अपना लग कर बना सकते हैं, दूसरा विधि जो मैं बता रहा हूँ अभी, कई एक विधि है, एक और फॉर्म विधि है कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाइए, फिर साइन इनवर्स एक्स और फिर साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। तो मैं उतना लंबा नहीं करूँगा, मैं सिंपल में बताने वाला हूँ, ये ऐसा है और इस तरफ दो ये आएगा तो माइनस में, और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, और दोस्त जैसे है इसको हम वैसे लिख लेंगे दोस्त, हम पाई बाई 2 को लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स 1, ये तो कब से ही बातें बताते आ रहे हैं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यानी कि हम पाई बाई 2 को इतना लिख सकते हैं, क्लियर है? ये कई एक बार बताए हैं, और ये जो है ना इसको हम जैसे है वैसे
लिख लेते हैं, यानी टू साइन इनवर्स एक्स। बस अब हमें एक काम करना है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लेंगे और आपका उत्तर हाजिर। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। साइन इनवर्स क्या होता है आप बोलिए, एक्स फिर होता है अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर एंड दोस्त वन का स्क्वायर होता है ना, फिर होता है दोस्त माइनस वाई यानी कि वन, फिर होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी दोस्त वन माइनस एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू दोस्त टू साइन इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने कई एक बार आपको सिखाया है, पढ़ाया है, प्रूव भी करवाया है। तो ध्यान से समझिएगा, इस तरफ भी साइन इनवर्स है और इस तरफ भी साइन इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा, आपके पास बचा क्या वन माइनस एक्स और देखिए वन माइनस वन हो जाएगा ना, और वन माइनस वन इंटू दोस्त चलिए अगले स्टेप में कर लेंगे माइनस। देखिए ये वन में इतना से गुना कीजिएगा तो इतना ही रहेगा, तो वन माइनस ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर। तो देखिए बात एक मैथ बताने का एक रहस्यमय बात बताता हूँ कि जहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है लगा दीजिए, ये मैथ का मेन पॉइंट है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो साइन बस खत्म है तो बचेगा क्या टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना बचा है, बात समझ आ रही है। चलिए बहुत अच्छा, और देखिए ये वन माइनस एक्स इंटू दोस्त जीरो क्योंकि रूट जीरो इज ऑल्सो जीरो। ओके ओके माइनस देखिए ध्यान से ये वन माइनस देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस और देखिए माइनस माइनस प्लस इक्वल टू टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, बात समझिएगा दोस्त। ये करिएगा तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास माइनस, और देखिए माइनस वन और ये प्लस वन खत्म बचा आपके पास। ध्यान दीजिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी दोस्त हम टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बस क्या किया है ना कि पोजीशन चेंज की है, क्योंकि ये बस कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है। और इक्वल टू दोस्त देखिए टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बात समझ आ रही है। चलिए आप हाँ अभी और एक लाइन बना लेते हैं, बस एक काम करना है दोस्त दोनों तरफ रूट है और रूट में दोस्त हम सोल्यूशन करना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, तो आप क्या करिए काम कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब भी ऐसा प्रॉब्लम है ना, जब रूट हो और प्रॉब्लम हो सोल्यूशन करने में, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाता है, इजी हो जाता है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ आ रहा है ना। आप स्क्वायरिंग बोर्ड साइड लिखेगा तो फायदा क्या है, फायदा ये है कि रूट हटेगा, रूट हटेगा तो हम आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए इतना कॉपी करिए, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, ध्यान से समझिएगा बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड सेट रहेगा आपका यहाँ पर, ध्यान दीजिए बस बन जाएगा। तो देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या फिर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखिए फोर एक्स स्क्वायर और ये रहा वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा क्या, इसके अलावे इसके अतिरिक्त कुछ और होगा, होगा तो बोलिए, नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, इस तरफ भी और लिख लीजिए और इस तरफ भी और लिख लीजिए, समझ आ रहा है जो बात मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्त। ये रहा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सबको इस तरफ बुलाइए, तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यही ना बचेगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको एक और बात बता दूँ, एक्स स्क्वायर नहीं ये टू एक्स है, सॉरी ये टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दूना करिएगा तो फोर एक्स स्क्वायर होगा ना, फोर एक्स स्क्वायर। अब दोस्त देखिए माइनस और ये माइनस प्लस, अब ध्यान समझिएगा माइनस और माइनस प्लस, फोर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से करिएगा तो आपका हो जाएगा फोर एक्स टू द पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं आपको एक रहस्यमयी बातें बताता हूँ, वो क्या है ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग सोचेंगे ना कि मैं इसको सोल्यूशन कर दूंगा, है ना, जो होंगे थोड़ा बनते होंगे वो कह देंगे कि मैं तो इसको कर दूंगा, लेकिन फायदा मैं ट्रिक बताऊंगा, इतना छोटा काम ना कि आप सोचा भी नहीं होगा। सम में x है, x कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स क्यू, यही ना बचेगा इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर ना हम सम में x है तो x कॉमन ले लिए,
फ़ायदा देखिएगा, बहुत बड़ा फ़ायदा। तो दो बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक कॉमन हो गया तो एक्स बचेगा, फोर एक्स स्क्वायर है और एक्स कॉमन ले लिया तो फोर एक्स बचा, और फोर एक्स टू द पावर फोर था तो एक्स हमने कॉमन ले लिया तो सिंपली यहाँ पर क्या बचा, फोर एक्स क्यूब बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब आप क्या काम करिए कि इसको गुना में ना तो इस तरह भागा में भेज दीजिए और ये जैसे हैं वैसे छोड़ दीजिए। सोल्यूशन करिएगा ना तो पगला जाइएगा, पर उत्तर आना कठिन हो जाएगा। हाँ आ जाएगा, बट थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और जीरो में किसी भी संख्या से जब भाग दीजिएगा तो क्या होता है, जीरो। तो ये रहा x इक्वल टू जीरो, यानी ये फाइनल उत्तर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी इट इज़ द राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इस क्वेश्चन को ना क्या कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को आराम से जब रखिएगा वैल्यू, वैल्यू मीन्स दोस्त व्हाट, वैल्यू मीन्स कि दोस्त जब आप ऑप्शन रखिएगा तो आपका ही जल्दी बनेगा। तो एग्जाम में जब भी आएगा दोस्त तो आप इतना वर्क नहीं करिएगा, आप ऑप्शन रखिएगा और उसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन मतलब कैसे दोस्त, पहले जीरो रखिएगा तो देखिए वन माइनस जीरो तो साइन पाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर भी जीरो रखिएगा तो जीरो, यानी पाई बाई टू, अगर पाई बाई टू के इक्वल आ गया तो जीरो यहाँ पर सेटिस्फाई है, और वन बाई टू रखिएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दोस्त सोच सकते हैं कि मैं कैसे अलग तरीके से इसको और सोल्यूशन कर सकता हूँ। तो दोस्त मैं कहने का मीनिंग फाइनली यह है कि आप खुद से अगर मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा जिस दिन से, आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोकेगा। चलिए आइए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये है tan इनवर्स x by y माइनस tan इनवर्स x माइनस y by x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट। दोस्त इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, देखने में ही लग रहा है बहुत इजी, भले ही बड़ा लग रहा हो लेकिन इजी लग रहा है। कैसे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, और फॉर्मूला पर लगाएंगे आपका काम खत्म। यहाँ पर रहा सोल्यूशन, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा में होता है वन प्लस एक्स वाई, यही ना फॉर्मूला होता है। ये तो फॉर्मूला आपके मुंह जबान पर होना चाहिए, जैसे ही बोले वैसे आपको मुंह में से निकल जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, ये रहा tan इनवर्स, ये ध्यान समझिएगा दोस्त, ये y और ये x प्लस वाई, इन दोनों का एलसीएम लूंगा जब मैं, तो ये हो जाएगा y x प्लस वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जब एलसीएम बटा पर जोड़ सब तो आपको आता है, तो लेकिन फिर भी बता देता हूँ, y से y गया तो बचा क्या x प्लस वाई, यानी दोस्त x प्लस वाई इंटू x, x सब में गुना हो जाएगा इतना से, फिर माइनस x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा बचेगा वाई, तो यानी वाई माइनस एक्स माइनस वाई, फिर बट्टा में देखिए ध्यान से दोस्त, ये वन प्लस एक्स में इतना से गुना करा देते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट मैं कर ही देता हूँ इस वन स्टेप में ना। चलिए आगे, वाई और ये जैसे है वैसे, यानी दोस्त हमने ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, अब हमें कुछ करना है नहीं, एक्स में एक्स से करिएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स में वाई से करिएगा तो क्या होगा, एक्स वाई होगा ना। चलिए माइनस वाई में एक्स से करिएगा तो वाई एक्स बोलिए या एक्स वाई बोलिए एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस, तो ये रहा वाई स्क्वायर, फिर बट्टा में देखिए ये वाई, ये रहा एक्स प्लस वाई, बट्टा में देखिए ध्यान से, इसके नीचे दोस्त हम वन एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, वाई एक्स प्लस y। अब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा y एक्स प्लस वाई, फिर देखिए प्लस x और x माइनस वाई, बात समझ आ रहा है। चलिए अब बस एक दो लाइन का काम है और ये रहा आपका फिनिश, आप ही ने बोला है ना खत्म कर दीजिए, तो देखिए खत्म कर रहा हूँ। तो ये देखिए tan इनवर्स x स्क्वायर, ध्यान समझिएगा ये एक्स वाई प्लस वाई है और ये माइनस में, खत्म, बचा क्या प्लस वाई स्क्वायर। इधर देखिए वाई मैक्स ले करिएगा तो एक्स वाई, और ये वाई स्क्वायर, फिर देखिए प्लस एक्स मैक्स से करिएगा तो दोस्त एक्स स्क्वायर, और ध्यान से देखिएगा प्लस माइनस माइनस, और एक्स में वाई से करिएगा तो आपका रहा ये एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस में और ये एक्स वाई
ये माइनस में और ये प्लस में आपस में कैंसिल हो गया, बचा कि आपके सामने टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्त देखिए ऊपर भी उतना ही है जितना कि नीचे है, तो कट के एक हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने टेन इनवर्स वन। तो दोस्त टेन इनवर्स वन ये तो कई एक दिन बार बार यही बात आ रहा है, तो इसको हम पाई बाई फोर लिखेंगे ना, ये तो आपको आपको तो बहुत आसान हो जाना चाहिए, आप तो खुद से कर सकते हैं शुभ काम। तो इज इक्वल टू पाई बाई फोर। अब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी इट इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके तो दोस्त यहाँ से 16C 17C दोनों सी है, तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्त इस तरीके से हमने हर एक कॉन्सेप्ट के साथ हर एक आपको नॉलेज देते हुए मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पूरी तरीके से हर एक निचोड़ के साथ ख़त्म कर दिया है। और जितने भी एनडीए क्वेश्चन होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, जितने भी ट्रिक होते हैं, उन सबको मैंने आपको दिया है। तो दोस्त बस आप भी ये काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आव्यू के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।